देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। रूस की महिलाएं युद्ध नहीं बल्कि चाहती है अमन और शांति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां हर कहीं प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहीं कोलकाता के ज्ञान मंच पर भी विमेन फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से कई वरिष्ठ बीके सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नादिरा पथेरिया ने कहा कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने घर का ही नहीं बल्कि समाज का विकास कर पाएंगी। This year, Women's Day 2022, let each of us in this congregation take it upon ourselves to formally educate and teach a skill to a person. इस मौके पर सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने कहा कि रूस में भले ही अभी युद्ध का माहौल है लेकिन अब वहाँ आध्यात्मिकता अपना छाप छोड़ रही है। यहाँ की महिलाएं बिल्कुल अलग हैं, उन्हें भी शांति प्रेम चाहिए। सोशल वर्कर एज हेड ऑफ द फैमिली या मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आई विल कैरी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस डेफिनेटली, क्योंकि शांति की क्रांति कि आवाज जो है वो विश्व के अंदर ये सब दृश्यों को परिवर्तन कर सकती है। इस मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी ने भी महिला शक्ति पर अपने विचार रखे। ब्रह्मा कुमारीज के ईस्टर्न जोन की इंचार्ज बीके कानन समेत कई बीके सदस्य भी मौजूद रहे। परमात्म शक्तियों द्वारा आंतरिक शक्तियों को करे जागृत। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग केंद्र के सभागार में भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला भारत की ध्वजवाहक विषय पर हुए इस कार्यक्रम में संस्था की महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी ने परमात्म शक्तियों द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो आज जब हमें देश और समाज को आगे ले जाना है तो औरतों को भी आगे आने की जरूरत है और उनके पीछे जो सहारा बन सकता है वो उनका साथी बन सकता है, चाहे वो ऑफिस का कलीग हो चाहे वो परिवार का सदस्य हो। वही दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिसर में भी महिलाओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सभागार में प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, उप कुल सचिव तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर महिलाओं के जीवन में आध्यात्मिकता कितना महत्व रखती है इस बारे में चर्चा हुई। बीके चक्रधारी ने महिलाओं की आंतरिक शक्ति के बारे में अपनी बात रखी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का कई स्टाफ मौजूद रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर द्वारा बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। भारत की आन बान शान 75 फीट तिरंगे के चारों ओर महिलाओं की ये छटा देखकर यही प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर साक्षात देवियां उतर आई हो। तकरीबन 600 महिलाओं ने भारत माँ के परिधान धारण कर रैली में सहभागिता की और विश्व शांति अर्थ शुभ भावना के संकल्प प्रवाहित किए। इस दौरान हर महिला ने एक दूसरे की प्रशंसा कर आदर्श नारी बनने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वही गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, राजवी परिवार, रानी साहेगा कादंबरी देवी समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने शुभकामनाएं दी। मुलुंड सब जोन के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस मौके पर सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी, बीके लाजवंती, माउंट आबू सियाई महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके सविता ने महिलाओं को संबोधित किया। सभी ने महिलाओं को शिक्षित होने, आत्मनिर्भर बनने की बात कही और मदर टेरेसा, कल्पना चावला, राजयोगिनी दादी जानकी जी समेत अन्य सम्माननीय महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इसके साथ ही सेवा केंद्र द्वारा ठाणे के एनकेटी कॉलेज में कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में उप महापौर पल्लवी कदम ने कहा कि महिलाओं का सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल भर होता है। कार्यक्रम में ठाणे परिवहन सेवा के सभापति विलास जोशी, असिस्टेंट कमिश्नर खिमजी ठक्कर थानावाला, ठाणे सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित रही। ब्रह्मा कुमारीज अहमदाबाद के महादेव नगर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। नीमा विद्यालय के प्रिंसिपल सहदेव सोनगरा ने घर में महिलाओं के विशिष्ट रोल पर अपने विचार रखे। A girl with a sweet dreams becomes a woman with wonderful vision. And a woman with wonderful vision becomes the backbone of the family. नैरोबी से आई बीके प्रतिभा ने कहा कि महिलाएं आज हर कहीं अपनी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में न्यूट्रिशनिस्ट लीजा शाह और डॉक्टर कपिला पटेल जैसी हस्तियां भी मौजूद रही। इस मौके पर महादेव नगर की प्रभारी एवं युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने भी अपने वरदानी बोल बोले। इंदौर के न्यू पलासिया के ओम शांति भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ।
महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक है, इस पर चर्चा हुई। बीके आरती ने कहा कि महिलाओं में इतनी ताकत है कि वे अपनी अंदरूनी शक्ति से कई मुश्किलों का सामना कर सकती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर ज्योति तिवारी ने कहा कि नारी एक शक्ति है और उनके अनेक रूप होते हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष साधना भंडारी समेत कई और गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम में महिला प्रभाग इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके विकास ने भी अपने विचार रखे। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें महिला श्रमिकों का सम्मान हुआ। इस दौरान बीके ऋचा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत सम्मान रहा है। बीके किरण ने कहा कि नारी शक्ति स्वरूपा है। बीके सुरेश और बीके राम ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान एवं मेडिटेशन मानसिक रोगों की अचूक दवा है, ये कहना था सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा का, जो कि किशोर सागर सेवा केंद्र पर अपने विचार रख रही थी। वही अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी गुप्ता, अवंती बाई नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य जानकी और बीके रीना ने मन को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया। इस दौरान लगभग 300 नर्सिंग स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और सभी ने मातृभूमि को पत्र लिखा। लश्कर के माधवगंज सेवा केंद्र पर भी महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि समाज का परिवर्तन तब होगा जब हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे। कार्यक्रम में इंटीरियर डिजाइनर वितिका गुप्ता, ग्रीनवुड स्कूल की निदेशिका किरण सिंह समेत अनेक प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित रही। आगे अहमदाबाद के इसनपुर सेवा केंद्र पर संयुक्त परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हेतल पी सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जागृति ने परमात्मा का दिव्य संदेश दिया और संयुक्त परिवार में रहती 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।